ये गीत भी ना, दरवाजा खुला क्यों छोड़ दिया उसने? हाय रब्बा, ये तो वो नजारा है जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। की फर्क पड़ता है कि दोनों के बीच में कुछ हुआ है या नहीं। मैंने जो करना है उसके वास्ते तो इतना ही काफी है। हाय रब, मेरे पे बहुत ज्यादा मेहरबान है। आप थोड़ी देर और सो जाइए, वरना आपका सर दर्द करेगा। गुंजन पुत्र, ताई जी आप वापस आ गए, सब ठीक तो है? रणविजय ये थे? रणवीर अपने कमरे में सो रहा होगा ताई जी, मैं उसे जगाना नहीं चाहती थी इसीलिए खुद ताला खोलकर अंदर आ गई। जरूर मेरी आंखों ने धोखा हुआ है, ऐसा हो नहीं सकता। हाय रब्बा, अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो पुत्र तेरी तो दुनिया ही लुट जाएगी। ऐसा क्या देखा आपने ताई जी? मैं तेरे से झूठ नहीं बोल पाऊंगी पुत्र, और सच सच तो सुन नहीं पाएगी। सारा कसूर मेरा है, मुझे उसे यहां लाना ही नहीं चाहिए था। पर पुत्र तब मेरे दिल में मैल था, लेकिन अब उसकी वजह से तुझे दुख सहना पड़ेगा पुत्र। ताई जी आप मेरे डरा रहे हो, बताओ ना कि हुआ है? कैसे बताऊं पुत्र, मैंने वहां क्या देखा? मैंने दुनिया देखी है पुत्र, जो औरतें मां नहीं बन सकती ना उनकी जिंदगी में ये दिन आता ही है। तू पहली औरत नहीं है पुत्र, और शायद आखिरी भी नहीं होगी। हो सके पुत्र तो मैनू माफ कर देना। पुत्र अपनी आंखों से सब कुछ देखने अपनी बीजी के घर जाने का सोचना भी मत। हाँ ताई जी आप क्या बोल रहे हो? अगर रणवीर से जुड़ी कोई बात है तो मैनू जाने का पूरा हक है। हाय रब्बा, मेरी जबान जल जाए अगर ऐसी बात मैं अपनी जबान पे लाऊं भी। पर पुत्र यही सच है। ताई जी आपने बताना होगा। पुत्र तेनू अब तक समझ में नहीं आया कि रणविजय आखिर है कहां? वो आपकी सिर्फ जिंदगी ही नहीं, आपकी दुनिया है। और हाँ, उसने आपके लिए बहुत कुछ किया है, आप उसकी बड़ी इज्जत करते हैं। कहते हैं ना कि नशे में आदमी सच ही बोलता है। आप कपड़े बदल लीजिए, मैं आपके लिए नींबू पानी लेकर आती हूँ। जी शुक्रिया। देखना इससे आपका सरदर्द ना यूं चला जाएगा। जी अब थोड़ा ठीक लग रहा है? हाँ ठीक हूँ मैं। शुक्रिया गीत। अपने सच पर हमेशा यकीन रखिएगा। निकालता हूँ।
अंजन, तू यहाँ सवेरे सवेरे? क्यों? जब मेरा पति यहाँ आके रात गुजार सकता है तो मैं सवेरे सवेरे नहीं आ सकती? देख गुंजन, तू गलत समझ रही है। रणवीर जी कल यहाँ दीपू को तोहफा देने। शर्म कर, कब तक अपनी बेटी का इस्तेमाल करेगी अपनी गिरी हुई हरकतों को छुपाने के लिए? देख गुंजन, तूने कल भी जरा सी बात का बतंगड़ बना दिया था, और जब तुझे पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, आज फिर से तू मैंने बहलाने की कोशिश ना कर। कल मेरे पास सबूत नहीं था, मगर आज मैंने अपनी आंखों से देखा अपने पति को कमीज बदलते हुए यहाँ, और तू उसके लिए नींबू पानी ला रही थी। पर जाते जाते तेरा शुक्रिया अदा क्यों कर रहा था वो? हाँ, वो जाने की हालत में नहीं था तो तूने उसे यहाँ रोक लिया। सेवा की होगी, बड़ी थकी हुई सी लग रही है, सोई नहीं होगी ना रात भर। गुंजन, अगर वो यहाँ गलत समय पर आ गया तो तूने उसे वापस क्यों नहीं भेजा? दरवाजा बंद करके एक अच्छी औरत की तरह सो नहीं सकती थी? क्योंकि वो नशे की हालत में थे, वो ठीक से चल नहीं सकते थे, गाड़ी कैसे चलाते? रणवीर नशे की हालत में? वो इंसान जो शराब को हाथ लगाना भी पसंद नहीं करता। अब मैंने क्या पता उन्होंने क्यों पी थी। हाँ, गम गलत कर गया होगा और उस गम को दूर करने के लिए तेरे पास आ गया होगा, और तूने उसके नशे का फायदा उठाया। आदमी तो वैसे भी बेकाबू हो जाता है। देख गुंजन, तेनू ना मुझ पर इतने घटिया इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं। तो जैसे ही घटिया औरतों पर घटिया इल्जाम ही लगेंगे। तूने ये सब इस पिंड में आके शुरू किया था या पहले से ये सब करती आई थी? इसीलिए ताईजी तुझे यहाँ लाई थी ना, तुझे नजर रखने के लिए, और इसीलिए वो तुझ पर चादर चढ़ाना चाहती थी अपने वीर जी के हाथ से, ताकि तेरी अय्याशियों को रोक लगा सके। गुंजन, ये क्या बोल रही है तू? चिल्ला मत। जैसी घटिया औरत जो दूसरों के पति छीनती है, उसे ऊंची आवाज में बात करने का कोई हक नहीं है। अगर तू मेरी बात नहीं समझेगी तो मुझे चिल्लाना पड़ेगा, समझी तू? मैं तुझसे कह रही हूँ कि हमारे बीच में सब कुछ नहीं हुआ। रणवीर जी ना यहाँ सोफे पे सोए थे और मैं अपने कमरे में सोई थी, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा, ये क्या है? ये तेरा झुमका यहाँ क्या कर रहा था? तेरा झुमका कहाँ है? और ऐसा क्या किया तूने मेरे पति के साथ? तेरा झुमका गिर गया। गुंजन, मैं ना तेनू एक एक बात समझा सकती हूँ, लेकिन तूने अपने दिल में जो वहम पाल के रखा है ना, इसलिए मैं जो कुछ भी बताऊंगी ना, तू मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेगी। मैं क्या यकीन कैसे करूं? रब ने पति छीन लिया, जिंदगी में मर्द की कमी महसूस हो रही है तो दूसरे के पतियों में डोरे डालने लग गई, अपने बच्चे का इस्तेमाल कर रही है। जब सब साथ होते तो अपनी बच्ची को भेज देती है ताकि रणवीर को अपनी तरफ खींच सके, और जब कोई है नहीं तो अपनी बेटी को सबके साथ भेज दिया ताकि मौके का फायदा उठा सके। सच बता, तूने अपनी बेटी को ट्रेनिंग दी है ना कि जब तक फेरे खत्म नहीं होते घर नहीं आना? हाँ, रणवीर जब तक मेरे साथ था तब तक खुश था, पर तूने दीपू को उसकी जिंदगी में लाकर उसे ये महसूस कराया कि मैं अधूरी हूँ, मैं उसे बच्चा नहीं दे सकती। अगर तेरे अंदर जरा से भी गहरा था ना, तो अपनी बच्ची को लेकर चली जा इस पिंड से, मार दे मेरे पति को। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।